बयामे इकबाल। इलम ने मुझसे कहा इश्क है दीवानापन, इश्क ने मुझसे कहा इलम है तखमीनो जन, बंदे तखमीनो जन व करम में किताबी न बन, इश्क सरापे हजूर इलम सरापे हजाब, इश्क सकूनो सबात इश्क हयातो ममात, इलम है पैदा सवाल इश्क है पिन्हा जवाब। डियर स्टूडेंट, आज हम इंटेलिजेंट टेस्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? डियर स्टूडेंट, ए इन्वेंशन, बी अनअर्थ, सी डिस्कवर, फाइंड और ई लोकेट। इन्वेंशन मीन इजाद, अनअर्थ जो अभी तक इजाद न हुई हो, डिस्कवर दरियाफ्त फाइंड पाना और लोकेट पाना। तो ये सब की ऑल और अदर वर्ड मीन इन्वेंटेड, यानी सब चीजें यहां इजाद, सब का मतलब इजाद होना है, जबकि अनअर्थ का मतलब अभी चीज इजाद नहीं हुई या जमीन पे नहीं है, इस लिहाज से डिफरेंट अनअर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 2 बाय 4, 2 का स्क्वायर लिया तो 4, 4 का स्क्वायर जब किया तो 16, इसी तरह 4 का स्क्वायर किया तो 16, 16 का स्क्वायर लिया तो 2, 5, 6, इस तरह 16 का स्क्वायर लेंगे तो 2, 5, 6 और 2, 5, 6 का जब स्क्वायर लेंगे तो 6, 5, 5, 3, 6, इस लिहाज से हमारा आंसर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? यहां देखा जा सकता है कि 13 में जब हमने 7 ऐड किया तो 20 आया, 20 में 14 ऐड किया तो 34 आया, 34 में जब 28 ऐड किया तो 62 आया, और 62 में जब 56 ऐड किया तो 2518 आया, और 2518 में जब 112 ऐड किया तो हमारा आंसर 2630 आया, यानी 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 28 का डबल 56 और 56 का डबल 112, इस लिहाज से इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? काउ, हैन, डक, बुल, मेयर। ये स्टूडेंट यहां देखा जा सकता है, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, डक भी फीमेल है, मेयर भी फीमेल। मेयर में ना घोड़ी, डक में ना बतख, हैन में ना मुर्गी, काउ में ना गाय, जबकि बुल ये मेल है। बुल का मतलब बेल, इस लिहाज से डी डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ क्लास 60 मेल एंड 35 फीमेल स्टूडेंट, 80% क्लास फेल इन केमिस्ट्री, 30% इन इंग्लिश, देन विच वन इज ट्रू? ओनली मेल आर फेल, ये गलत इसलिए है कि मेल और फीमेल दोनों क्लास में, सेम क्लास में मेल और फीमेल पढ़ रहे हैं, इस लिहाज से बोथ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट आर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? एल ए सी के, इसका जो कोड बनेगा ना, एल का बनेगा 9, ए का बनेगा 3, सी का बनेगा 8 और 1 का के, इस लिहाज से
हमने फर्दर कोड को देखकर इसका आंसर निकालना है। तो सी 8 ए 3 एल 9 के 1। इस लिहाज से अगर यहां देखा जाए तो सी के ए एल का कोड बनेगा सी 8 के 1 ए 3 एल 9। हमारा आंसर बनेगा 8139। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज डिफरेंस फ्रॉम द रेस्ट, क्यू एस ई एच आई एल एम पी ए डी। यहां से देखा जा सकता है कि ए और डी के दरमियान बी और सी का गैप है, इस तरह एम एन और ओ का गैप है, एम और पी के दरमियान आई जे के का गैप है एल और आई के दरमियान, और ई एफ जी का गैप है ई एच के दरमियान। यहां जो गैप है वो क्यू सिर्फ आर का गैप है, इस लिहाज से यहां एक गैप है, बाकी सब में दो दो अल्फाबेट्स के गैप हैं, इस लिहाज से ये डिफरेंट है बाकियों से। क्वेश्चन नंबर 11, इफ सेकेंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एडेड टू द शॉर्टेस्ट नंबर एंड डिवाइड बाय द थर्ड नंबर देन द आंसर विल बी। अब यहां शॉर्टेस्ट नंबर 2 है और जो सेकेंड नंबर है वो 14। क्वेश्चन नंबर 16, मार्च इज टू 31/3 एंड जून इज टू 2। डियर स्टूडेंट, यहां देखा जा सकता है कि मार्च तीसरा महीना है और इसके 31 दिन है, इस तरह जून छठा महीना है और इसके 30 दिन है, इस लिहाज से आंसर होगा 30/6। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिजिट इज मिसिंग इन द लास्ट नंबर। यहां स्टूडेंट देखा जा सकता है 834/92, यहां सिर्फ हिंसों की जगह तब्दील कर दी गई है, बाकी सेम हिंसे ही हैं। जैसे 8 लास्ट में चला गया, 3 इसके बाद और 4 पहले आ गया, इसी तरह 9 और 2 को जब जगह तब्दील की तो हमारे पास 29 आया, इसी तरह हम नेक्स्ट भी ये जगह ही तब्दीली करेंगे, 2 शुरू में आ रहा है तो यहां लास्ट पे आएगा, इस लिहाज से हमारा आंसर आएगा ए यानी 2। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इन्फेंट मासूम अडल्ट जवान चाइल्ड बच्चा न्यू बर्न, ये भी बच्चा है बेबी ये भी बच्चा, यानी सारे बाकी चार अल्फाज का मफहूम मासूम या बच्चा ही बनता है जबकि अडल्ट का मफहूम जवान बनता है, इस लिहाज से ये इन पांचों में मुख्तलिफ है, हमारा आंसर आगा अडल्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इफ क्रीट इज टू एक्सक्रीट देन क्यूट इज टू, यहां कुछ भी नहीं किया, बस ई एक्स का इजाफा किया गया है, क्रिएट एक्सक्रिएट और यहां एक्सक्यूट सिर्फ ई एस का इजाफा किया गया है और कुछ भी नहीं किया गया, इसलिए इससे हमारा आंसर आएगा एक्सक्यूट। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, सेपरेशन स्प्लिट डिवाइड गैप यूनियन। यहां स्टूडेंट अगर मफहूम देखा जाए तो सबका एक ही मफहूम बनता है, सेपरेशन स्प्लिट डिवाइड गैप यानी तकसीम करना अलग करना फासला लाना, जबकि यूनियन का मफहूम बनता है इकट्ठा करना, इस लिहाज से हमारा आंसर होगा यूनियन। क्वेश्चन नंबर
21. What number come next in the following series? यहां स्टूडेंट 4, 3, 9 और 8 को अगर हम ऐड करेंगे आपस में तो हमारा आंसर आएगा 24. इसी तरह 13, 8, 3 और 10 को जब हम ऐड करेंगे आपस में तो हमारा आंसर आएगा 34. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24. What is the missing letter? Dear student, ये भी बहुत easy question है. इसमें थोड़ा common sense इस्तेमाल करना है कि 18 plus 10 plus 4 बनते हैं 32. जब हम add किया हमने सबको, हमारे पास answer आया 32. तो हमने 32 को जगह चेंज की, हमारे पास आया 23, यानी उल्ट लिख दिया हमने इनको. इसी तरह 23 प्लस 9 प्लस 7 इनका आंसर आएगा, जब हम ऐड करेंगे तो 39 आएगा. 39 को हम जब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे हमारे पास आएगा 93. इसी तरह 22 प्लस 12 प्लस 40 जब हम इसको ऐड किया तो हमारे पास आया 74, लेकिन जब हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो हमारे पास आंसर आया, हमारे पास यहां पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 1, चूज द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग. सैलरी, बनाना, पीर, पी. तो हमारा देखा जा सकता है बनाना, पियर और पी फ्रूट है, जबकि ये सैलरी ये इससे मुख्तलिफ है. इस तरह क्वेश्चन नंबर 2, चूज द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू. लंग्स, बैलून, फेंस, पैराशूट, टायर. डियर स्टूडेंट, यहां देखा जा सकता है कि शह लंग्स फेफड़े हों, गुब्बारा बैलून, फेंस या टायर. इसमें हवा को बंद किया जाता है तो तब ये फूलते हैं, जबकि पैराशूट इसमें हवा ओपन होती है, इस लिहाज से ये बाकियों से डिफर है. हमारा आंसर होगा डी. चूज द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू. माइल, ईयर, मंथ, डे. यहां देखा जा सकता है कि माइल डिस्टेंस के लिए होता है, जबकि ईयर, मंथ, डे ये टाइम को काउंट करने के लिए होता है. चूज द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू. टॉप, साइड, बैक, फ्रंट, इनसाइड. यहां स्टूडेंट देखा जा सकता है कि टॉप ऊपर, बैक पीछे, फ्रंट आगे और इनसाइड अंदर, जबकि साइड ये समझे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये इसका कोई साइड कोई मीनिंग नहीं बनते. इसके तरफ कोई कौन सा तरफ, सब तरफ, एक तरफ, इस लिहाज से साइड इन सब में डिफरेंट है. चूज द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग. हेयर ड्रायर, सा, अलार्म, सायरन. अब हेयर ड्रायर ये भी बालों को खुश करने वाला आला, इसी तरह अलार्म, घंटी बजाना, सायरन भी हूटर बजना, जबकि सा आरा काटना, ये काटने का काम है, इसलिए सा